हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी। सो इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शंस के ऊपर, ठीक है। और अगर मोर एक्यूरेटली बोले, मोर करेक्टली बोले, तो इंटर स्पीसीज इंटरैक्शन के ऊपर, राइट। स्पीसीज इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, ठीक है, और स्पीसीज का मतलब हुआ प्रजाति, एज यू नो, ठीक है। तो इसमें हम यही बात करेंगे कि जब दो डिफरेंट स्पीसीज का आपस में आमना सामना होगा, जब वो आपस में इंटरैक्ट करेंगी, ठीक है, तो उसके क्या आउटकम्स मिलेंगे, ठीक है, उसके क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि वो परिणाम दोनों के लिए फ़ायदे का सौदा हो, ठीक है, हो सकता है कि दोनों के लिए ही नुकसानदायक हो सकता है कि एक के लिए बेनिफिशियल हो, एक के लिए हार्मफुल हो, है ना। तो अलग अलग आउटकम्स हमें देखने को मिल सकते हैं, तो हम उन्हीं आउटकम्स को इसमें डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफली, ओके। सो लेट्स सी, ठीक है। तो पहले मैं कलर ले लूँ, ओके। सो मैंने कलर ले लिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला इंटरैक्शन जो है हमारा, वो क्या है, बोलता है म्यूचुअलिज्म, ठीक है। यहाँ आपका स्पीसीज लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया कि इंटर स्पीसीज इंटरैक्शन, ठीक है। तो जो दो डिफरेंट स्पीसीज इंटरैक्ट कर रहे हैं, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, तो म्यूचुअलिज्म में क्या हो रहा है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है। यहाँ भी प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है, ठीक है। तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों का फ़ायदा हो, ऐसा इंटरैक्शन जिसमें दोनों का फ़ायदा हो, तो उसे हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं, सिंपली, ओके। हमें चीज़ों को बिना कॉम्प्लिकेटेड किए बिना समझना है। तो अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो आपने इसका एग्जांपल पढ़ रखा है, आपको अभी याद हो या ना हो, बट इसका एकदम सिंपल सा एग्जांपल है लाइकेंस, ठीक है। तो लाइकेंस मैंने बोला, तो हो सकता है आपको कुछ याद आया हो कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं, ठीक है, एल्गी और फंजाई के बीच में, जिसमें एल्गी क्या करता है, फंजाई के लिए को फूड प्रोवाइड करता है, राइट। और फंजाई क्या करता है, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया करता है। तो हुआ ना इसमें दोनों का फ़ायदा, ओके। और अगर मैं बात करूँ तो एक और एसोसिएशन आपको इसमें देखने को मिल सकता है, जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन, ठीक है। तो माइकोराइजल एसोसिएशन क्या होता है, फंजाई और हायर प्लांट्स के रूट के बीच में जो एसोसिएशन होता है, उसे हम माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं, राइट। तो इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जो आपका फंजाई है वो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया करता है, ठीक है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया करता है, उसके बदले में प्लांट उसे इसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती है। सो ये दो एग्जांपल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, कि म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, दैट इज़ लाइकेंस, लेट मी राइट इट, लाइकेंस, एंड दूसरा हो गया माइकोराइजा, राइट, ओके। सो लेट मी रिमूव इट नाउ, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट इंटरैक्शन को देखते हैं। तो नेक्स्ट इंटरैक्शन क्या है, कॉम्पिटिशन। तो अगर मैं कॉम्पिटिशन की बात करूं, तो जनरली आप देखोगे कि कॉम्पिटिशन आपको क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में देखने को मिलता है, जो कि सिमिलर रिसोर्स के लिए कॉम्पीट कर रहे हों। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और कोई बहुत सारे लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके बीच में एक कंपटीशन हुआ। लेकिन आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और एक आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो आपके और उसके बीच में किसी तरह का कोई भी कंपटीशन नहीं है, ठीक है। आपके बीच में क्यों कंपटीशन हुआ, क्योंकि आप लोग दोनों का जो एम है, गोल है, वो बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि कॉम्पिटिशन, जनरली आप देखोगे तो बुक्स में दिया हुआ है कि आपका क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ के बीच में है, लेकिन एनसीईआरटी में साफ लिखा है कि ये बिल्कुल अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में भी देखने को मिल सकता है ना। और कब मिलेगा, जब दोनों फिर से सिमिलर रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक थोड़ा फ़नी सा, सिली सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। आप मान लो कर रहे हो नीट की तैयारी, आप हो ह्यूमन, ठीक है, होमो सेपियंस। अब एक बंदर की स्पीसीज आ गई, ठीक है, अब वो बोली कि नहीं भैया, हम भी नीट का एग्ज़ाम देंगे, हम भी आपके साथ बैठेंगे। तो आप दोनों के बीच क्या होगा,
कंपटीशन हो जाएगा, है ना। अभी तो आप लोग के बीच कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर सिमिलर रिसोर्सेज के लिए जहाँ लड़ाई शुरू हुई तो क्या होगा, कंपटीशन होगा, और कंपटीशन में क्या होता है, दोनों का ही नुकसान होता है, ठीक है। सो हियर इज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव साइन मैंने लगा दिया। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेक्शन को, क्या है, प्रेडेशन, दिस इज प्रेडेशन। अब प्रेडेशन में क्या है, एक शिकार है, एक प्रे है और एक प्रेडेटर है, ठीक है, एक शिकारी है। फॉर एग्जांपल सांप और नेवले के बीच लड़ाई हो गई, या फिर कह सकते हैं कि टाइगर और डियर, मोस्ट कॉमन, ठीक है। जब भी प्रेडेशन का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में ये वाला फिगर आता है कि एक जो टाइगर है या लायन है वो किस तरह से डियर को पकड़ रहा है, राइट। तो दिस इज प्रेडेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, एक का प्रेडेटर का फ़ायदा, प्रे का नुकसान, है ना। तो सिंपल था ये, दिस इज कॉल्ड प्रेडेशन। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं पारासिटिज्म की ओर, राइट। तो पारासिटिज्म क्या होता है, इसमें जो ये एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें जो पारासाइट होता है ना, वो होस्ट के एक्सपेंसेस पे अपनी ज़िंदगी बिताता है, इस तरह से इसे समझते हैं, ठीक है ना। होस्ट के खर्चे पर, मतलब किसी और के खर्चे पे वो अपना खाना पानी चला रहा होता है, ऐसे समझिए, ठीक है। तो एक आइडल पारासाइट अगर मैं आपसे कहूँ, वो है जो होस्ट को नुकसान ना पहुँचाए, लेकिन फिर भी जब भी पारासिटिज्म वाला जो आपका इंटरेक्शन है उसमें एक ना एक को नुकसान पहुंच रहा होता है, यानी होस्ट को नुकसान पहुंच रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं, तो आप ह्यूमन बॉडी पर एग्जांपल ले लीजिए लाइस, यानी जू का, ठीक है। तो अगर मैं आपको जू का एग्जांपल दूं, तो वो क्या कर रहा होता है, लाइस आपके बॉडी पे फीड कर रहा होता है, वो ब्लड को सक कर रहा होता है ना, ब्लड सक कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो तो आपके लिए नुकसानदायक है, ठीक है, नुकसान ही हो रहा है आपको, उसे फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इस एसोसिएशन को हम बोल देते हैं पारासिटिज्म। अब देखो पारासिटिज्म का भी कुछ टाइप होता है, अभी मैंने आपको बताया लाइस का एग्जांपल लिया, तो लाइस कहाँ रहता है, आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर रह रहा है या बॉडी के बाहर रह रहा है। तो नाउ विल सी, सर ये कैसा क्वेश्चन हो, तो बॉडी के बाहर ही रहता है, या एग्जैक्टली लाइस आपके बॉडी के बाहर रहता है, ठीक है। तो जो वैसे पैरासाइट्स जो बॉडी के बाहर रहते हैं उसे हम कहते हैं इक्टो पैरासाइट, है ना, उसे हम कहते हैं इक्टो पैरासाइट। और वैसे पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं, है ना, और अंदर से ही फीड करते हैं, अंदर से ही फूड को लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंडो, इंडो का मतलब होता है अंदर, उसे हम कहते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना है कि पैरासाइट दो तरह के होते हैं, इक्टो पैरासाइट और इंडो पैरासाइट। इक्टो पैरासाइट का मैंने एग्जांपल लिया अभी लाइस, अगर मैं इंडो पैरासाइट का आपको एग्जांपल दूं तो वो हो गया आपका लिवर फ्लूक, है ना, जिसको हम फेजियोला हेपाटिका भी कहते हैं, ओके, आपने ये पढ़ रखा होगा एनिमल किंगडम में, राइट। सो दिस वॉज पैरासिटिज्म। हाँ, इसमें एक और एग्जांपल है, एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। आपने नाम सुना होगा ब्रूड पैरासिटिज्म का। तो ब्रूड पैरासिटिज्म में बेसिकली क्या हुआ करता है कि ये आपको मोस्टली, तो पहले ये जान लो कि ये बर्ड्स में देखने को मिलेगा, है ना, ये कहाँ देखने को मिलता है, बर्ड्स में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक जो पैरासिटिक बर्ड होती है वो अपने एग को किसी भी होस्ट के नेस्ट में अपने एग को ले करती है, ठीक है, जिससे कि होस्ट को पता नहीं चलता। तो नाउ यू मे आस्क कि होस्ट को कैसे नहीं पता चलता, क्योंकि जो पैरासिटिक बर्ड के जो अंडे हैं, ठीक है, और जो होस्ट के अंडे हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं शेप और साइज में, वरना तो अगर मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगी एग की, तब तो होस्ट का जो होस्ट को पता चल जाएगा कि ये जो एग है वो किसी और स्पीसीज़ का है, किसी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का है, तो वो उस एग को रिजेक्ट कर देगा। लेकिन होस्ट को पता ही नहीं चलता कि ये एग उसी का है या फिर किसी और का है। और साथ ही साथ सपोज़ कि किसी बर्ड ने
चार अंडे दिए हैं, उसमें एक पैरासिटिक बर्ड आके अपने अंडे को दे देगी, ठीक है। तो वहाँ तो अंडों की संख्या 5 हो गई, तो होस्ट को अपने अंडों की संख्या का पता होता है कि उसने कितने अंडे दे रखे हैं, लेकिन जो पैरासिटिक बर्ड होती है वो क्या करती है कि एक नेस्ट, जो नेस्ट में से जो एक एग है उसको निकाल के बाहर गिरा देती है, ठीक है। तो वापस से फिर से वो 4 हो गए। तो इस तरह से होस्ट को पता ही नहीं चल पाता है ना। तो इसका आपको बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलता है, इसका अगर एग्जांपल मैं लूँ तो वो हो गया कुकू यानी कोयल एंड क्रो, सॉरी फॉर माई हॉरिबल राइटिंग बट आई होप कि ये आपको पता चल रहा हो। तो इसका एग्जांपल हो गया कुकू एंड क्रो। तो कुकू क्या करती है, क्रो के नेस्ट में अपने अंडे को देती है, राइट, और क्रो को पता नहीं चलता। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म, राइट। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखते हैं कॉमेंसलिज्म, है ना। तो कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को तो फ़ायदा हो रहा है, राइट, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देख के समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, बहुत बहुत ही ज़्यादा पैसा है। आप अगर उसमें से किसी को उस पैसे का 10-20% दे दो किसी गरीब को, ठीक है, तो गरीब का तो फ़ायदा हो गया बेचारे को, ठीक है, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि आपके पास तो इतना पैसा है कि आप सपोज़ कि उसको काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है, अनकाउंटेबल, राइट। गरीब का तो फ़ायदा हो गया लेकिन आपको उससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। तो फ़र्क नहीं पड़ा तो उसके लिए कौन सा साइन, ये ज़ीरो का साइन, राइट, या मैं तो इसे ओ ही पढ़ता था, आप जो भी पढ़ लो, राइट। तो ये ज़ीरो का साइन, और जिसे फ़ायदा हुआ उसके लिए प्लस का साइन, सिंपल है, राइट। और इसका अगर मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं जो आपकी बुक में लिख रखा है, तो वो हो गया सी एनिमोन और क्लाउन फिश के बारे में, है ना। तो सी एनिमोन अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपके ध्यान में आया होगा, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ रखा होगा, ठीक है, फाइलम जो आपका निडेरिया है, शायद निडेरिया में ही आता है ये, जिसमें टेंटिकल्स होते हैं, राइट, स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं सी एनिमोन में। तो वो जो क्लाउन फिश होती है वो शिकार से बचने के लिए, प्रे से बचने के लिए, ये टेंटिकल्स, ऐसे जो टेंटिकल्स आपके बहुत सारे टेंटिकल्स निकले हुए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना, जो कि स्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, इस टेंटिकल्स के बीच में छिप कर रहती है ताकि कोई दूसरा जो शिकारी है, ठीक है, उस क्लाउन फिश को पकड़ ना सके। क्योंकि जैसे ही उन टेंटिकल्स के संपर्क में कोई भी शिकारी आएगा, जैसे ही उस टेंटिकल्स को टच करेगा तो वो टेंटिकल्स उसको चुभा देगा, ठीक है, मार देगा। लेकिन क्लाउन फिश इस तरह से रहती है कि बिना उस टेंटिकल में टच किए वो उसके चारों तरफ उसके अंदर आराम से रहती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि क्लाउन फिश का तो फ़ायदा हो गया, ठीक है, वो शिकारी से बच गई, ठीक है ना, वो प्रेडेशन से बच गई, लेकिन इससे क्या सी एनिमन को कोई फ़र्क पड़ रहा है, सी एनिमन को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ना ही कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है, वो जैसा है वैसा ही है। तो इसमें क्या हुआ, एक का फ़ायदा हुआ दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं कॉमेंसलिज्म, एंड दिस इज़ वेरी वेरी आईएमपी, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कॉमेंसलिज्म के ऊपर, है ना, क्वेश्चन आता है यहाँ से। और एक और आपका जो हमारा लास्ट इंटरेक्शन है इसकी बात करूँ तो दिस इज़ एमेंसलिज्म, आई होप कि ये आपको विजिबल हो, है ना। तो एमेंसलिज्म में क्या होता है, देखो एक को बिल्कुल ही नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यहाँ उल्टा है। कॉमेंसलिज्म में क्या था, एक को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, है ना, लेकिन यहाँ पे एक को तो नुकसान हो गया भाई और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर मैं आपसे कॉमेंसलिज्म का सिंपल सा अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो आप देखते हो कि जो कैटल्स हैं वो जब ग्रेस कर रही होती हैं तो क्या होता है कि उसमें ग्रेजिंग के साथ साथ जो बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकौड़े हैं वो उन्हें भी खा जाती हैं, है ना, जाने अनजाने में वो कीड़े मकौड़े भी वो खा लेती हैं। तो इसमें क्या हुआ कि कीड़ों मकौड़ों का तो जो है वो फीड कर रहे हैं उनको तो नुकसान हो गया, ठीक है, लेकिन कैटल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, राइट। और एक और एग्ज़ाम्पल है आपका एंटी बायोसिस,
एंटीबायोसिस, है ना। इसमें क्या होता है कि जो आपका फंजाई होता है वो टॉक्सिक केमिकल को रिलीज करता है जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, राइट। तो ये दोनों जो एग्जांपल हैं एंटीबायोसिस वाला, ये आपको याद रखना है। सो गाइस, आई होप कि आपको इंटर स्पीसीज की जो इंटरेक्शंस हैं जो मैंने अभी समझाई वो आपको समझ आ गई होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में दें। और लेट मी नो कि आपको नेक्स्ट आपको कौन सा वीडियो चाहिए और जिस जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा वोट हुए मैं उस